guys, what's up? Welcome to the channel and welcome to another video. So today's video will be very different because I think मैंने इससे पहले अपने channel पे ऐसा कुछ video नहीं किया है और काफी लोग करते रहते हैं but I have not done it. So it's title से तो पता ही चल गया होगा आपको. It's Amazon tops under 199. So basically जो भी tops मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ all are under 199 और बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, like 199 कुछ भी नहीं होता है और आपको normal streets पे ऐसे tops मिलते हैं. So yeah, I think without further ado, let's jump into the video. मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ा सा mini review and links वगैरह सब आपको description box में मिल जाएंगे. और क्या बचा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए एंड आपको अच्छा लग रहा है व्हाट आई एम डूइंग सो फार टिल नाउ, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को इफ़ यू लाइक आई एम डूइंग सो फार देन ओनली. एंड आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, द वेरी फर्स्ट स्टॉप हियर इज दिस वन. दिस इज़ अ ग्रे टॉप, ग्रे एंड सिल्वर कलर टॉप. बहुत अमेजिंग लगा मुझे, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है. इसका जो पीछे का मटेरियल है दिस इज़ प्रीटी सॉफ्ट, बट वहीं आगे का मटेरियल इज लिटिल बिट पॉलिएस्टर काइंड ऑफ मटेरियल, बट आई डोंट माइंड इट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है बैक से और आगे का भी मुझे इतना बॉदर नहीं करता. लाइक 199 आई एम ओके टू पे फॉर दिस. सो आई वुड रेट दिस टॉप फ्रॉम यू नो आउट ऑफ 5 to 3. इट्स प्रीटी गुड गाइज. इसका फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है. प्राइस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा. दैट्स बिकॉज यू नो इसमें जो भी प्राइस है और या फिर जो भी है मुझे याद नहीं है, तो मैंने जिस प्राइस पे इसे परचेज किया एग्जैक्ट वो आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे. एंड ये 199 के अंदर के ही सारे टॉप्स हैं. आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक यूज करके परचेज कर सकते हैं. द ओनली पॉइंट हियर इज कि ये जो टॉप्स होते हैं अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, इसमें प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है वही प्राइस पे आपको मिलेगा. आप उसे 2-3 बार चेक कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस ड्रॉप होता है यू कैन परचेज इट. एनीवेज, अगर आपको कम प्राइस पे, मेरे से भी कम प्राइस पे मिल रहा है तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. एनीवेज, आई रियली लव दिस टॉप. दिस इज रियली नाइस. आई रियली डोंट माइंड वेयरिंग इट आउट और घर पे. सो या, इट्स अमेजिंग परचेज ऑफ यू नो अमेजोन टॉप्स अंडर 199. और इट्स, मैंने ज़्यादातर बेसिक टॉप्स ही मंगाए हैं यहाँ पे, जिसको मैं यू नो नॉर्मल कहीं पे भी पहन सकती हूँ. नॉट अ पार्टी वेयर टॉप्स, इज जस्ट अ सिंपल बेसिक चीज. एक ये टॉप है जिसका कलर मुझे बहुत अमेजिंग लगा है. ओ माय गॉड, आई शुड टेल यू गाइज, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं ना या ये सारे कलर्स होते हैं ज़्यादातर आपको हाई ब्रांड्स में मिलते हैं. मैंने ये वाला टॉप H&M में देखा था या लाइफ स्टाइल में कहीं तो देखा है एंड इट वॉज अराउंड 700 to 800 बेसिक टी शर्ट, बट यहाँ पे मुझे 199 के अंदर मिला है. आई वॉज लाइक सीरियसली 199 में ये टॉप. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड चिरोकी समथिंग, बट आई रियली लव द फिट. यू नो फॉल एकदम लूज है, कंफर्टेबल है, मटेरियल बहुत अच्छा है. सबसे बेस्ट चीज है इसका मटेरियल. ये 94% कॉटन है एंड 6% पोलिस्टर है. तो कॉटन की टी शर्ट्स जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल टू वेयर होते हैं. एंड आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी कितना अमेजिंग लग रहा है मुझ पर. और ये बहुत ज़्यादा ऐसे कलर्स ना सब पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वेदर यू आर फेयर, मीडियम, डस्की, सब स्किन टोन्स पे बहुत ही अमेजिंग जाते हैं. सो या डेफिनेटली इट इज़ यू नो अमेजिंग परचेज. प्लस कॉटन फैब्रिक सब कुछ, तो अगर मुझे इसे रेट करना हुआ तो आई वुड रेट इट 4.5 out of 5. या मुझे इतना पसंद आया था ये. और इट नेक्स्ट टॉप विच आई हैव इट हियर इज दिस प्रिंटेड टॉप. सो मेरे पास यहाँ पे ये प्रिंट में टॉप है. टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये इसका मटेरियल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. दिस इज 100% पोलिस्टर और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. और यहाँ पे कहीं पे भी टैग नहीं है कि कौन से ब्रांड का टैग है. ये बहुत ही ब्रांड का टैग है, मतलब ये यहाँ पे कोई भी ब्रांड का टैग नहीं है तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से ब्रांड का है. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी का है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बट डेफिनेटली आई डोंट माइंड इट वेयरिंग एट होम. घर पे आप ऐसे ही डालो या फिर बारिश में पहनना बहुत अच्छा होता है. तो अगर आप बारिश में कहीं जाने का प्लान करें तो आप इसे पहन सकते हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं. एकदम पॉलीथीन जैसे मटेरियल नहीं होती, ये थोड़ा उस टाइप का है. सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया. इसका बैक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इसका डिज़ाइन ओवरऑल, नेक,
सब कुछ अच्छा है, फिटिंग अच्छा है, बट एट दी एंड ये थोड़ा सा चीप लगता है. आई वुड डेफिनेटली वेयर दिस इन रेनी सीजन्स. बारिश में अगर मैं कहीं घूमने वूमने का प्लान है तो मैं अगर भीगने के मूड में हूँ तो डेफिनेटली ये पहन कर जाऊँगी, बिकॉज ये जल्दी से सूख जाएगा एंड काफ़ी अच्छा रहेगा इसे पहनना. सो या दिस इज अनदर परचेज. ऑलराइट, अगर आपको ब्राइट कलर्स पसंद है सो आई हैव दिस टी शर्ट. दिस इज प्लेन टी शर्ट विच हैज़ वनीला. मजाक कर रही हूँ, वनीला मतलब एकदम प्लेन है, लेकिन इसमें इतना मज़ेदार चीज़ है ना, मतलब आप देखिए यहाँ पे नियॉन में लिखा हुआ है, यू नो प्रिंट देकर रखा है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. एंड ये इतना अमेजिंग लग रहा है, एक तो इसका स्लोगन अमेजिंग, इसका फैब्रिक अमेजिंग, 100% कॉटन. इसका नेक भी बहुत ज़्यादा चिपके हुए, जो टॉप्स आते हैं ना मुझे वो पसंद नहीं है. इसका नेक भी थोड़ा सा नीचे है, आप देख सकते हैं, तो ये आपके नेक लाइन को भी अच्छे से दिखाता है. प्लस ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गर्मी में पहनने के लिए, अमेजिंग टॉप है. दिस टॉप का रेटिंग वुड बी 5/5, बिकॉज मुझे इसे कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है. अमेजिंग फिट, अमेजिंग टॉप, अमेजिंग कलर, अमेजिंग साइज, एवरीथिंग. सो द लास्ट टॉप फ्रॉम द कलेक्शन इज दिस वन, एंड आई रियली लव दिस रस्टी ऑरेंज कलर, ब्राउन. मुझे ऐसे टोन के कलर्स आजकल काफ़ी पसंद आ रहे हैं और ये काफ़ी अमेजिंग लगा. क्रॉप टी शर्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसका फिट, इसका साइज, सब कुछ बहुत अच्छा है. अगेन इसका प्रिंट जो है, यू नो ऐसे टी शर्ट्स अगर आप पहनते हैं ना तो इट रियली मेक्स यू लुक रिच, एक्सपेंसिव. आप काफ़ी ज़्यादा यू नो ऐसे लगेंगे कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले रेडी होने में, भले ही आपने वो एकदम टी शर्ट पहनी है, प्लेन सी हल्का सा मेकअप लगाया हुआ है एंड जीन्स पहनी हुई है. सो इट एक्चुअली मेक्स ह्यूज डिफरेंस इन एंटायर योर पर्सनैलिटी. सो या दिस इज़ अमेजिंग. एंड अगर आप बेसिक्स पसंद करते, मतलब आई डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ कलर्स और लॉट ऑफ फैशन, तो मेरे टाइप का एकदम मटेरियल है ये, कि मैं एकदम बेसिक टी शर्ट एंड जीन्स पहनना बहुत पसंद करती हूँ. सो दिस इज रियली रियली नाइस. आई वुड अगेन रेट दिस 4.5 फ्रॉम 5/5. सो या 4.5 अमेजिंग, जस्ट फॉर बिकॉज इसका यू नो कलर, साइज, ओवरऑल लुक वगैरह सब बहुत अच्छा है. तो या दिस इज रिकमेंडेड. तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे तो आप ये दो टॉप जरूर खरीद सकते हैं, अगर आप बेसिक टी शर्ट्स देख रहे हैं फ्रॉम अमेजोन. दिस इज अमेजिंग. सो गाइस, मैं ये वाला टॉप आपको दिखाना भूल गई. दिस इज़ अगेन फ्रॉम मैक्स, और मैक्स के टी शर्ट्स जो होते हैं बहुत ही अमेजिंग होते हैं. ये मुझे बहुत प्यारा लगा, एकदम बीच कलर का है और इसमें भी स्लोगन लिखा हुआ है. सो ये सारे टी शर्ट्स ना घर पे पहनने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंड आई रियली लव दी यू नो फैब्रिक. तो अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो अलॉन्ग विद दोज टू टॉप जो मैंने अभी तक दिखाए हैं आपको, आप ये वाले के लिए भी ज़रूर जा सकते हैं. रेटिंग आई वुड गिव 4.5. दिस इज़ अमेजिंग. लास्ट टॉप, आई डोंट whether I should include it or not, but ये morning में आ गया था. तो this is not under 199, ये कुछ 300 का है. so ये मैं already जो पहन के बैठी हुई हूँ, this is the top जो बाहर आप पहन के जा सकते हैं. it's not a normal t-shirt, but definitely I really love the fit. it looks amazing, it fits amazing, बहुत ही loose and comfortable top है. so ये एकदम बाहर पहन के जाने वाला top है. so I just included in this video because ये आज arrive हो चुका था and ये मेरे different purchases में मैं दिखाती, but मैंने आज इसमें include कर दिया. So yeah, this was all the Amazon tops. I hope you would have loved it and liked it. और अगर आपको ऐसी और भी videos देखने हैं, you can definitely comment down below और मुझे बता सकते हैं कि मैं और किस पे videos बनाऊँ और किस पे haul बनाऊँ. So yeah, इसी के साथ ख़त्म करते हैं video. मिलते हैं मेरे next video में. Till then, bye bye, take care, stay blessed, stay safe.